दीपों का त्योहार दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। हर साल दिवाली अलग अलग तारीख को पड़ती है और कुछ नए नए सौगात लेकर आती है। इस साल दिवाली 4 नवंबर को मनाई जा रही है। वैसे दिवाली के दिन खुशियों का दिन माना जाता है, बुजुर्ग हो या बच्चे सब जश्न से झूम उठते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार की दिवाली के क्या मायने हैं। बता दें, दिवाली इस बार 4 नवंबर को पड़ रही है और इस बार दिवाली के दिन 4 बड़े ग्रह एक साथ एक ही राशि तुला में विराजमान होंगे। इससे एक दुर्लभ युति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप ये दिवाली अति विशिष्ट प्रकार की हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन तुला राशि में 4 बड़े ग्रह सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा विराजमान होंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ज्योतिष में शुक्र को सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है, तो वहीं चंद्रमा मन के कारक ग्रह कहलाते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं, तो बुध को ग्रहों का राजकुमार और मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। आइए अब नजर डालते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त पर। कार्तिक अमावस्या तिथि के प्रारंभ 4 नवंबर को सुबह 6:03 से है और इसका समापन अगले दिन 5 नवंबर 2021 की सुबह 2:44 पर होगा। ऐसे में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ समय शाम को 6:09 से रात 8:20 तक है। इस प्रकार देखें तो इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की कुल विधि 1:55 की है। दीपावली का पर्व आते ही दिवाली के साथ आने वाले और भी बहुत सारे पर्व आते हैं, तो आइए जानते हैं कौन सा पर्व कब पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि 2 नवंबर 2021 को है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। 3 नवंबर 2021 को है इस दिन रूप चौदस भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। भाई बहन को समर्पित भाई दूज त्योहार 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार को है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।